सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी
అపర్ణాన సువర్ణ పాటల పాటలావతి పట్టాంబర పరిధాన గలమంజీరంజని అమేయ విక్రమ గౌర సుందరి సురసుందరి వరదుర్గాజ మాతంగే మతంగ మణిపూజిత భ్రామీ మాహేశ్వరి చంద్రే కౌమారి వైష్ణవీ తథా చాముండా దేవ వారాహి లక్ష్మీ చ పురుషాకృతి విమలోదర్శని జ్ఞాన క్రియా నిద్రా చ బుద్ధిద బహుళ బహుళ ప్రేమ సర్వవాహన వాహన విజంబజం హలని మహిషాసురమర్దని మధుకేటమహంద్రీ చండమండా వినాశుని సర్వాసుర వినాశా సర్వధానవధారిణి సర్వశాస్త్రమయి సత్య సర్వాశ్రధారిణి తథా అనేక శాస్త్రహస్త అనేకాశ్రస్య ధారిణి కుమారీ జయకన్యా జయశ్వరీ జ్యోతి జ్యుతి అప్రౌఢా చైవ ప్రౌఢా చ వృద్ధ మాతా ఫలప్రదా మహోదరి ముక్త జయసి గౌర రూప మహాబల అగ్నిజ్వాలా రుద్రముఖి కాళరాత్రి తపస్విని నారాయణి భద్రకాళి విష్ణుమాయా జలోధరి శివధూతి కరాళి చ అనంతా పరమేశ్వరి కాప్యాయని చ సావిత్రి ప్రత్యక్ష బ్రహ్మవాదిని య ఇదం ప్రభటేనా నామ సదాశయం నాసాధ్యం విద్యతే దేవి త్రిషు లోకేషు పార్వతి ధనం ధాన్యం సుతం జాయం హయం హస్థిరమేవ చ చతుర్వర్గం దశా చాందే లభేన ముక్తిం దశాశ్వతిం కుమారీం పూజయిత్వా తు ధ్యాత్వా దేవీం సురేశ్వరీం పూజయేత్వర్యా భక్త్యా పఠే నామ సదాశయం తస్య సిద్ధిర్భవే దేవి సర్వై సర్వరేరపి రాజానో దాసతాజాంది రాజ్యే శ్రేయోమాపుణ్యాత్ గోరోచనాలక్తకుంకుమేన సంధూరగర్భోరమధుత్రయేణ విలీక్ష్యయంగ్నవిలీనా విదిగ్యో భవే సదాధార్యతే పురారిః భౌమావాసానిశామగ్రే చంద్రే షద్విషాంగతే విలక్ష్య ప్రవటే స్తోత్రం సా భవే సంవదా. प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र बेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों के प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान है। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका क्षयफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं
वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती ही, धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन्य मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्य कवच ओ हरचंद्रवाच ओम जगदुल्यं परमवलोके सर्वरक्षाकरं जनम यज्ञकर्ताख्यातं ब्रह्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अशीर्वैतमभिप्रा सर्वभूतोपकारकं दिव्यासोकवचं पुण्यं दशरश महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति दशमं नवमं सिद्धिधात्रे च नवदुर्गः प्रकीर्तितः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतारणे भीषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नावदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं महि जेषु भक्ता सुदानानां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षते दानशल्यः वेदसंस्कातु चामुण्डा वाराहि महिषासना इन्द्रियगलसमारूढा वैष्णवी गरुडासुण माहेश्वरी वृषारूढा कौमारेषु दुवाहन लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा देवी ईश्वरी वृषवाहन ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रसमारूढा दिव्याः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं सर्वसुलायुधं केटकं दोमरं देव परशुं वाजमेव च कुण्डायुधं त्रिशूलं च शालग्रमायुधमुत्तमम् नित्यानां देहनाशाय भक्तानामभिराय च धारयन्त्यायुधानीतं देवानां विहिताय वै नमस्यसु महारात्र महाघोरपराक्रमे महाभये महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रुणाभयवर्धने प्राज्ञवरक्षतु मामेन्द्रे अग्नियामग्निदेवता दक्षिणयवतु आदाहि नैरित्यां खड्गधारिणि प्रतीज्ञा वारुणे रक्ष वायुभ्यामृगवाहिनि उदित्या पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष ततस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दशदशो रक्ष चामुण्डा शमवाहन जया मे जागृतः पातु विजया पातु प्रसितः अधिलाभावपार्श्वेदो दक्षिणे चापराजिता शिखामध्योदने रक्ष उमामूर्धने विभंसिता मालाधरी ललाटे च प्रभो रक्ष विभंसिने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मद्रे यमघण्टा च नाशिने शङ्खणी चक्षुषोर्मद्रे श्रोत्रोद्वारवासिने कपोलोकारिका रक्ष कर्णमूले तु शङ्खणि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरक्षे च नासिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षत कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाखीति मुखं रक्ष वाचमे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च वृषवंशे धनुर्धरि नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकूपरि सुगन्ध्योः परिगणी रक्ष बाहु मे भद्रधारिणि हस्योर्दण्डनी रक्ष गम्भिका चाङ्गुलीषु च नखां शूलेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरि
सनोरक्ष महादेवी मदा शोध विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शोलधारिणी नभोजकामणि रक्ष गुह्यश्वरी तथा भूतनागामि कामेडं गुदे महिषवाहिनी कट्यं भगवती रक्ष यानुनि बिन्दवासिनी जंगे महाबला रक्ष सर्वकाम प्रदायिनी गुलभयोर्नार सिंहेजा पादपृष्ठे सुदेशसी पादाङ्गुलेषु जयरक्ष पाशाधस्थलवासिनी नखाङ्गस्थाकराले च केशा देहोर्धकेशिनि रोमकूपेषु कौमेरी त्वयं राजेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासाङ्गस्थिवेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रे च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मापदे पद्मकोशे कभे चूडामणि तथा ज्वालामुखेन रज्ज्वालापभेद्यासर्वचन्दिषु शुक्रं ब्रह्माणि मेलक्ष शायं क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कारो मनोबुद्धिं रक्षे धर्मधारिणी प्राणापाणौ तथा व्यानम् उदानं च समाणकम् वज्रहस्ता च मेलक्ष प्राणं कल्याणशोभन रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्वर्षे च योगिनी सत्त्वमयस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु बाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशाकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च लक्ष्मणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुं मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु वैरवी पन्थानां सुतारक्षन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः सदा रक्षाहीनं तु यासाणां वर्जितं गमनेन तु तत् सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशिनि परमेकं न गच्छेतु जगेच्छेदुमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्वया सार्वकामिका यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरे मधुरं प्राप्तते भूतले पुमान् निर्भयो जायते वृत्ता सङ्ग्रामे च पराजितः त्रैलोके द्वभेत्मुज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं गोदेभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सन्ध्यान्वितः दैवी कला भवेतस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवेव संसाग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधिः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं देव कृत्रिमं याभियम्भिषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजनः खेचरास्यैव जलव्यासोपदेशिकाः सहजा गुरुरामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिचाकरा गौरा डाकश्च महाबला ग्रहभूतविराचार यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्माक्षसवेदायः कूष्माण्डावैरवादयः नश्यन्ते दर्शनात्रस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नदिर्ववेदाज्ञस्तेजो वृद्धिकरं वरम् यदसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् शब्दजलिं जण्डिं कृत्वादो कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते शशेलवनकाननं तावदिष्ठति मेदिन्या सन्ततिः पुत्रमातृकी देहं ते परमंसाणं जसुरैरपि दुर्लभं प्रापणोति पुरुषो नित्यमहामायाप्रसादतः लभते परमवरूपं शिवेन सह मोदते। अस्य अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षिः अनुष्टमछन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशति पाठाङ्गत्वेन यपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मायकण्ठे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवा धात्री सहस्वदा नमोऽस्तुते जय त्वं देवि चामुण्ड जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते मधुकैटव विद्धाभि विधात्रे वरदे नमः
रूपं देहि जलं देहि यशो देहि दिशो देहि महिषासुर निर्णाधि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जलं देहि यशो देहि दिशो देहि रक्तबीजपदे देवि चण्डमुण्ड विनाशने रूपं देहि जलं देहि यशो देहि दिशो देहि शुम्भस्यैवणि शुम्भस्य ध्रुमाक्षस्यमर्धने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि वन्दिताङ्घ्रि युगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि अचण्डरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि नतिर्भ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि तवद्भ्यो भक्तिपूर्वं दाचण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि चण्डिके सततं जेता वर्जयन्ति हि भक्तिदा रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि दिशो देहि दिशो देहि विधेहि दुषितां नाशं विधेहि बलमुच्युतैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि सुरासुरशिरोदत्त निकृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि प्रचण्डदैत्यदर्भग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त्रे संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि कृष्णेन संसुदे देवि शश्वभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि हिमाचलसुदानाथ संसुदे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि इन्द्राणि परिसद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देवि प्रचण्ड दौर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि देवि भक्तजनो धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि पतनीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु शब्दसती सङ्ख्या परमापनोति संवद अथ कीलक ॐमस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टमशङ्गः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बानेत्यरथम् शब्दशती पाठावत्त्वेन यपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेरुवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय दिव्यचक्षुषे श्रिया प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारणे सर्वमेतद्विहानीयान् मन्त्रानामविकीलकम् स्वपि मम वाप्नोति सततं याप्य तत्परः सिद्धं गजाननादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुमतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रोऽनौषधं तत्र नाङ्गेन्द्रेत विविद्यते विना याप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्गामिमावरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रमेव चण्डिकायासु तत्र लुप्तं चकार सः समाप्तेर्णय पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणा स्वपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णाया वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्
यो निष्किला विधायेनाम नित्यम जपति संसुडा स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न देवापणदस्तस्य वयम् क्वापि न जायते नापवृत्तो वशम् जाति मितो मोक्षो वा पुण्यात् यथा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति तदो जात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्य देवदेः सौभाग्यादि यदकिञ्चिदृश्यते ललनाशने तत् सर्वम् तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदम् शुभम् श्रेयस्तु याप्यमाने स्वस्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चिकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहाणिः परोवाक्षः तूयसे सणगिञ्जनैः श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुदे गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि नन्दनुदे भगवति रेशिनि कण्ठकटुम्बनि भूरि कटुम्बनि भूरि गिरि जय जय हे महिषासुरमर्दनि रक्षकमर्दनि जयसुते सुरवरवरशिनि दुर्धरधर Yeah.
क्षमा प्रार्थना है अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते परमेश्वरी मंत्र
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्ति और भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं। अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का श्रवण करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। वास्तव में जिन भक्तों पर जे माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है, जिन भक्तों को इन तीनों देवियों माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती, इन तीनों माताओं का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, उन पर सदा सर्वदा इस माँ जगजननी जगत माता की विशेष कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से वे सर्वत्र जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्तजन साधक जन अत्यंत श्रद्धा होकर के माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत
माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दयादृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना, सर्वदा हमें अपने चरणों में लगाए रखना। दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशंतु स्वस्थ स्मृता मतिमति शुभम ददासी दारिद्र दुख विहारिणी का तुधन्या सर्वोपकार करना सदर्चित। कि माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं, सबको निर्भय कर देती हैं। स्वस्थ स्मृता मध्य शुभम ददासी स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर, ध्यान करने पर आप उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दारिद्र दुख भय का हरने, दारिद्र दुख भय हारने का तुधन्या, दारिद्र दुख भय का हरण करने वाले का तुधन्या, आपके सिवा इस संसार में दूसरी और कौन है जो सर्वोपकार करना या सदर चित्त, जो सबका उपकार करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए जिसका चित्त जो है सर्वदा दयादर चित्त रहता हो, वह भगवती माँ आप ही हैं। आप सदा सर्वदा जो है भक्तों का कल्याण करती हैं और सब ओर से भक्तों का मंगल करती हैं। हे माँ, हम तेरे दरबार में आए हैं, तेरे चरणों में बैठे हैं। हे शरणागत की रक्षा करने वाली माँ भगवती, हम भक्तों के कष्टों को, हम भक्तों के दुखों को दूर कर करके आप सब ओर से हम भक्तों की रक्षा करें, सब ओर से हम भक्तों का कल्याण करें। हे माँ, हे भगवती, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से सत सत प्रणाम लो। सच्चे दरबार की जय। तो माँ की पूजा, माँ की आराधना जो है ये सब ओर से कल्याण को देने वाली है, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाली है, धन धन की वृद्धि करने वाली है। जो भी भक्ति पूर्वक माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ की उपासना करते हैं, माँ की अवश्य उन पर कृपा होती है और ये भगवती हर स्थान पर अंग संग रक्षा करती है। इस प्रकार से कल्याण के मनुष्य को प्रतिदिन जो है प्रयत्न पूर्वक देव आराधना जो है ये अवश्य करनी चाहिए। प्रातःकाल सायंकाल माँ की जोत जगाएं और माँ की स्तुति करें, माँ की आरती करें, माँ से प्रार्थना करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें तो आपके जीवन सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम विश्वदेवम तथा तिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। मनुष्य को प्रतिदिन जो है ये छह कर्म जो है ऐसे बतलाए गए हैं जिसको प्रत्येक व्यक्ति को जी करना चाहिए। घर गृहस्थ में जो है जब विशेष करके जो है यह संध्या प्रातःकाल संध्या स्नानम की प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना, फिर संध्या करना, गायत्री माता की उपासना करना, जपश्चैव जप करना, देवता नाम च पूजनम देवता का पूजन करना, विश्वदेवम विश्वदेव को भले जो है तथा अतिथि जे अतिथि सत्कार करना, जे छठ कर्म जो है जे बतलाए गए हैं और जे प्रत्येक ग्रस्त में जो प्रतिदिन जिस ग्रस्त में होते हैं उस ग्रस्त में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती। वह लोग जो सर्वत्र जो है प्रत्येक कार्य में जो है उन्हें सफलता मिलती है। इस प्रकार से मनुष्य को प्रातः उठ करके जो है जब उठना है, शास्त्र में जहां तक बतलाया गया है कि किस प्रकार से प्रातःकाल उठना जागना है, तो कैसे जागना है, कैसे जागना है और फिर जो है आप जो है जब जागते हैं फिर जो पृथ्वी पर पांव रखते हैं तो पृथ्वी पर पांव भी कैसे रखना है। शास्त्र में तो इस प्रकार की विधि विधान बतलाए गए हैं। और यदि व्यक्ति अपने कोई मुश्किल बात भी नहीं होती, जब व्यक्ति एक निजम बना लेता है तो उसी से उस भक्त को जो है साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वन वह जो है यदि अपने जीवन में इन जो है नैतिक बातों को जो है यदि उतारता है तो अवश्य जो है वह कल्याण को प्राप्त होता है।
तो कहे हैं कि प्रातः काल जैसे आप उठते जागते हैं तो माँ भगवती का आपका जो भी इष्ट है उसका स्मरण करते उसका ध्यान करते हुए जो है जागना चाहिए। प्रातः काल सोते हैं तो भी उसका स्मरण करते सो जाइए और प्रातः काल जब उठते हैं तो उसका स्मरण करते हुए उसका धन्यवाद करते हुए आप जागिए। रात्रि को सोए हैं देखिए हमारे जो प्राण जी इसका संचार जो कौन करते हम सो जाते हैं तो फिर भी जो कुछ जागते हैं वह कौन है उसका धन्यवाद करते रहने वो अदृश्य शक्ति जो है जो हमारे शरीर को चला रही है। तो प्रातः काल उठते ही जो है सबसे पहले जो है अपने भगवान का अपने इस देव का जो भगवती का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथ जो है बस सामने ले आए। दोनों हाथों को सामने रखकर जो है सबसे पहले आपकी आंख की दृष्टि जो है जी हाथ के अग्रभाग में जी अग्रभाग जो है जहाँ पर पढ़नी चाहिए तो उसमें कहा है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठते ही अपने हाथों को देखिए आप कई बार कुछ कहते हैं देखिए पता नहीं किसका मुंह देखा सारा दिन जो है ऐसे बेकार चला गया कोई काम बढ़ा नहीं कोई सफलता मिली नहीं आप किसी के दूसरों की तरफ क्यों देखते किसी का मुख देखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने हाथों की तरफ देखिए इन्हीं हाथों से सब प्रकार के कार्य जो सिद्ध होते हैं जो भी धर्म कर्म करते हैं सब कार्य जो भी अच्छे बुरे जो भी कर्म होते हैं इन्हीं हाथों से होते हैं। जब प्रातः काल जो है भगवान का इस देव का स्मरण करते हुए अपने हाथों को देखते हुए प्रार्थना करते हैं तो इन हाथों से सदा सर्वदा शुभ कर्मी होंगे। कभी आपको दूसरों के हाथों की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा कि कोई हमारी सहायता करे। तो इस प्रकार कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके अग्रभाग में जो है माँ लक्ष्मी निवास करती है तो माँ लक्ष्मी जो है इसकी कृपा हो जाए क्योंकि महालक्ष्मी जब जिस घर में लक्ष्मी के रूप में जो भगवती विराजमान होती है उस घर में कभी किसी चीज की कमी रहती नहीं। कर मध्य सरस्वती और मध्य भाग में माँ सरस्वती निवास करती है। माँ सरस्वती जो ज्ञान की अधिष्ठाती देवी है जो ज्ञान को देने वाली बुद्धि देती है विवेक देती है तो मध्य भाग में माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं प्रार्थना करें तो आपका विवेक आपकी बुद्धि आपका ज्ञान जो ठीक प्रकार से काम करेगा और कहीं भी आपकी बुद्धि गलत निर्णय करी नहीं आपका दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। कर मूले स्थितो ब्रह्मा मूल भाग में जो है ब्रह्मा निवास करते हैं ब्रह्मा जो सृष्टि रहते हैं हम भी जो है प्रत्येक जीव जो है ये सृष्टि करता है कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत जो है तो हम जो जो कार्य करते हैं उसमें वृद्धि हो उसमें और अधिक संचार हो इस प्रकार से फिर ब्रह्मा का स्मरण किए जाते हैं। प्रभाते कर दर्शनम प्रातः काल उठते ही हाथों का जो है अवलोकन जो करना चाहिए और इस प्रकार से मनुष्य के हृदय में जो है आत्मनिर्भरता और जो स्वावलंबन की भावना जो है का उदय होते है मुझे किसी के हाथों की तरफ देखना पड़े हे प्रभु हे भगवती हे माँ लक्ष्मी हे माँ सरस्वती हे ब्रह्मदेव हम पर इतनी कृपा कीजिए इस प्रकार से हम इतने हाथों से कार्य करते अग्रसर हो और हमें जो है प्रत्येक कार्य में सफलता मिले सिद्धि प्राप्त हो बोले सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से प्रातः आंखों के खुलते ही जो है दोनों हाथों को देखते हुए ये श्लोक जो है जो पाठ करें श्लोक ने भी आते हैं तो मैंने आपको जो बतलाया है कि सबसे पहले लक्ष्मी का ध्यान करना है जे अग्रभाग में ले आइए अपनी दृष्टि फिर मध्य भाग में फिर मूल भाग में। मध्य भाग में माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए और मूल भाग में ब्रह्मा का स्मरण करते हुए और फिर जो अपने हाथों को ऐसे मलते हुए अपने मस्तक पर अपने इस पर लगाइए अपने अंगों का स्पर्श कीजिए इस प्रकार से उसके प्राण जो है फिर अपने चारपाई से जहाँ बेड से नीचे उतरना है। जब पांव नीचे रखना है तो नीचे पांव रखना कैसे है ये भी शास्त्र का विधान है। जो नासिका है एड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये तीन नाड़ी हैं जो आपने अभी जो पाठ में भी जो है जो आता है तो एड़ा पिंगला सुषुम्ना ये तीन नाड़ी जो है देखिए ये सूर्य नाड़ी है दाएं तरफ की ये सूर्य नाड़ी है बाएं तरफ चंद्र नाड़ी है और जे मध्य में सुषुम्ना है। तो दाई नाड़ी जो है आप देखिए कौन सी नाड़ी जो है आपकी चल रही है उस समय यदि दाई जो है जे चल रही है तो दाया पांव ही नीचे रखें बाई नाड़ी अगर बंद है दाई चल रही है तो दाया पांव पहले नीचे रखें फिर जो है उसके बाद बायां पांव पृथ्वी माता की वंदना करते हुए और यदि जो है आपकी जो दाई नाड़ी जो है बंद है और दूसरी जे बाई नाड़ी चल रही है तो फिर बायां पर जो जो नाड़ी चल रही है वही पांव जो अपने पहले नीचे रखना फिर दूसरा यदि जो दोनों नाड़ियां ठीक प्रकार से चल रही है
तो जो है समझिए जिस सुमना नाड़ी जो है जागृत हुई है जो चल रही है, इसलिए उस समय एक तो पहली बात जो है जान लेना चाहिए आपका सत्व गुण जो है जो वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं उस समय यदि आप जो है फिर दोनों पांव नीचे रखें, एक साथ दोनों पांव नीचे रखें, फिर जो स्नान कर करके साधना करें आपका ध्यान लगेगा दोनों नाड़ी ठीक प्रकार चल रही है ईड़ा पिंगला सुमना जो है, तो इस प्रकार से उस समय जो सात्विक गुण की विशेष वृद्धि होती है वो ध्यान करने का समय होता है। फिर दूसरे इसमें किया है आयुर्वेद में देखिए और जो शास्त्र में जो ये निर्णय दिया है कि इस तरह से अब जो सूर्य नाड़ी जो है यदि आपकी बंद है नहीं चल रही है तो समझो कि आपकी जो है शरीर में गर्मी ज्यादा है अधिक है। इस प्रकार से उस समय जो है उसी हिसाब से अपना जो है आप जो जलपान करते ठंडी चीजें आप खा सकते हैं, ऐसे जो है यदि जो है बाय नाड़ी जो बंद हो जाती है तो समझो आपका सर्दी जुकाम आने वाला है संदेश देगा वो। आयुर्वेद में यदि देखे तो जी नाड़ी देख करके जो है वह आयुर्वेद में भी वैद्य जो है इन नाड़ियों से ही नाड़ी ज्ञान उनको होता है और वह जान जाते हैं इसकी कौन सी नाड़ी जो है कैसे समय चल रही है और बात कफ पित्त जो है ये तीनों जो है जी तीनों जो किस प्रकार किसकी वृद्धि है और जिसकी वृद्धि उसको कम करने के लिए औषधि देते हैं ना कि ऐसे ही तुक्का लगा करके, तो नाड़ी का परीक्षण कर करके ये सब करते थे। तो इस तरह से शास्त्र जो बतलाया कि आपको उठना भी है तो कैसे उठना है, फिर आप देखिए आप दिन की चर्या जो है आपके कैसी होगी, पृथ्वी माता स्वरूप जो है माँ जो है ये पृथ्वी का रूप है, भगवती जो पृथ्वी के रूप में विद्यमान होकर के इस सारे संसार को धन करती है और पृथ्वी पर हमसे कितने अपराध होते हैं, कई बार क्रोध आते हैं तो हम जोर से अपना पांव जो नीचे पटकते हैं परंतु माँ कभी बुरा मानती नहीं, माँ ने हमें स्थान दिए रहने के लिए पृथ्वी न होती तो हम कहाँ होते, इसलिए सृष्टि के रूप में जो भगवती जो है जो विद्यमान है और पृथ्वी की जो है रूप में विद्यमान होकर के सारे जगत को धारण करती है फिर यही पृथ्वी सबका पालन करती है, इसी से जो है अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से हमारे प्राण जो जीवित है, अन्न नहीं होगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे, पृथ्वी जो अन्न देती है सब प्रकार के फलों को देती है जो जिस चीज की आवश्यकता होती है और औषधियां भी इसी से प्रकट होती है, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे निरोगी रहे इसलिए प्रातः काल उठते ही पृथ्वी माता की वंदना करें माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, अद्भुत शक्ति होती है माँ के आशीर्वाद में और इस प्रकार जब आशीर्वाद प्रातः काल उठते ही आप करते हैं तो आपका सत्व गुण जो है ये बढ़ेगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, जिस कार्य में जाएंगे कहीं कोई ऐसा प्रसंग आएगा भी तो बड़ी शांति से आप उस कार्य में जो है ऐसा निर्णय लेंगे कि पता नहीं चले गया कैसे निर्णय हो गया और ये तो विघ्न होने वाला था जबरदस्त झगड़ा होने वाला था परंतु शांति बनी रही। ये कुछ कारण होते हैं यदि हम उन निजों को अपने जीवन उतारते हैं तो निश्चय रूप से उस साधक का जीवन जो है वह सुखद बना रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा जो है वह नहीं आती, पृथ्वी से ही हमारा जीवन जो चलता है और वही हमारा जो है ये भार उठाती है। थोड़ी सी भी कहीं आप देखते हैं कि भूचाल आता है थोड़ी पृथ्वी हिलती है सब घबरा जाते हैं, ठीक हो गई तो फिर हम आ जाता अहंकार हम ये हम वो हैं, तो इसलिए करने कर वही ही, इसलिए कुछ लोग तो मानते नहीं सब कुछ जो है जो विज्ञान हमने प्राप्त किया देखी ये सारी बुद्धि ज्ञान शक्ति जो है मेधा शक्ति उसी की दी हुई है, जिस व्यक्ति को जितनी जितनी उसने मेधा शक्ति दी है उसी के अनुसार ही वह सब कार्य करता है, उससे अधिक नहीं कर पाता, इस सबको उसी का दिया हुआ है इसलिए जब उसका हम धन्यवाद भी नहीं कर पाते ये जीवन उसका दिया हुआ है कब ले जाए तब पता नहीं, इसलिए जो है पृथ्वी से हमें जो है अन्न जल और औषधियां जो प्राप्त होती है, अतः ये देने वाले के प्रति जो है कृतज्ञता का जो है भाव बना रहे, हम कृतज्ञ न बने पृथ्वी माता से जो है क्षमा प्रार्थना करते हुए हमेशा उसको नमन करें। नमन नमन शब्द में जो है तीन अक्षर है ना मा फिर ना, ये बड़ी एक विचारनीय बात है, ये तीन शब्द यदि विचार करें कि पहले भी ना है अंत में भी ना है और बीच में मा है, ना का अर्थ अवश्य जानते हैं कि नहीं लेकिन मां क्या है, मां क्या है, मां है मोह, मोह जो है कि दोनों तरफ ना और बीच में मां है और व्यक्ति संसार में रहे परंतु मोह ना करे,
कभी भूल करके भी, क्योंकि इस संसार में जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, ये सब जो है ये आपका नहीं, जो यहीं पर छूटेगा। इससे मोह मत कीजिए और इस प्रकार संसार में रहिए। मोह करना है तो उससे कीजिए, मां से कीजिए। तभी कहा है जे मन जो है, मन को जब संसार में लगाते हैं तो व्यक्ति उलझन फंस जाता है। कहते मन विकृति आई, मन तो मानते नहीं। तो मन को जो है जब संसार में फंसाओगे और ये ऐसा फंसेगा, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मोह हो जाएगा। तभी जो है अब जो है मन को कहते हैं कि उल्टा कीजिए। मन को जो है आप उल्टा कीजिए तो क्या हो जाता है, नम। और जो व्यक्ति संसार में वह झुक करके चलता, हमेशा नमन करता है, नम झुकता है, तो वही संसार भव सागर से पार होता है। उसके नहीं है पार होती है, जो अकड़े रहते हैं। देखिए जब तूफान आते हैं, आंधी आती है, ऐसे तूफान आते हैं तो बड़े बड़े वृक्ष हैं अकड़े हुए हैं और जड़ से वह तूफान उखाड़ करके फेंक देता है। वह पर घास होती है, तूफान आता है, वो लेट जाती है, तूफान चला गया फिर खड़ी हो जाती है। तो क्या है ये विनम्रता का भाव जो है, हम नमन होना सीखे तो जब माँ के चरण में नमन होते हैं तो होता क्या है, माँ जो है आशीर्वाद देती है, उसका हाथ हमारे सिर पे आता है। जब सिर पे हाथ आता है तो हमारे जितने भी पाप जो थे वो नीचे गिर जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति आती है। क्या कोई तपस्थली है, माँ जहाँ पर तप कर रही है तभी कहते हैं किसी को प्रणाम कर रहे तपस्वी है। संत महात्मा होते हैं, उनका दर्शन और जो है आशीर्वाद, इस समय देख रहे हैं कि प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। आप कुंभ में देखिए, आप सोच रहे ऐसे ऐसे अद्भुत संत जो है जो हिमालय के कंदरा में निवास करते हैं, कहीं बस जातरे दिखाई देते भी नहीं है, तप करते हैं और क्या है, नंग दड़ंग। अब यदि कौम में देखें, जरा ध्यान दें, ऐसे जो लोग हैं जो इतने से कपड़े पहन करके चल रहे हैं फिर भी ठुठ रहे हैं, वही संत महात्मा नंग दड़ांगे हैं, कभी उनके शरीर पर देखिए कि ठंड का नाम भी नहीं होता। ऐसे तपस्वी, ऐसे संत जो हैं, ऐसे संतों का दर्शन जो है ये बड़ा दुर्लभ होता है। और जब मेला होता, कुंभ होता है ऐसा जो, क्योंकि कहते हैं कि गंगा में जब लोग स्नान करने के लिए आते हैं तो किस लिए आते हैं, कि हमारे पाप धुल जाएंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना जीवन पवित्र बनाने के लिए गंगा स्नान करते हैं, जब पाठ करते हैं वहां जा करके, तो कहते हैं कि माँ गंगा जब इतने पाप लेती है पवित्र कैसे होगी। तो ये वरदान है माँ गंगा को, जब जहां मेले में जब संत लोग जो है आकर के जो है मेरे जहां स्नान करेंगे तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो संत जो है जब स्नान करते हैं उनके दर्शन जो होते हैं वह अद्भुत दर्शन होते हैं। तो कहते हैं कि जी जब सूर्य मकर राशि में आता है तो देवताओं का प्रभात काल होता है उत्तरायण। मकर राशि में ही सूर्य उत्तरायण हो जाता है, तो ये छह महीने उत्तरायण, छह महीने दक्षिणायण होता है। तो छह महीने देवताओं की रात्रि और छह दक्षिणायण में जो है देवताओं की रात्रि होती है, उत्तरायण में जो है देवताओं का प्रभात काल, देवताओं का दिन होता है। छह महीने की रात्रि, छह महीने का दिन, हमारे छह महीने होते हैं और देवताओं का एक दिन होता है, छह महीने होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे तो छह महीने ऐसे बीत जाते हैं, उनकी एक रात्रि होती है फिर छह महीने का दिन हुआ। तो इस प्रकार से उत्तरायण दक्षिणायण जैसे छह महीने का, तो जब उत्तरायण आता है और मकर सूर्य मकर राशि में जैसे प्रवेश करते हैं तो देवताओं का प्रभात काल होते हैं। इसलिए कहते हैं प्रयाग में गंगा में जो है समस्त देवी देवता जो है स्नान करने के लिए आते हैं अपने स्वरूप बदल करके। इसलिए विशेष महत्व बताया गया है वहां स्नान करने का जो है, देव स्नान करते हैं और उनके दर्शन जो है किस रूप में देवता वहां पर आते हैं ये तो कोई पहचान नहीं सकता। कहीं कृपा हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तभी कहते हैं कि जो भी आपको मिलता है उसको नमन होकर के प्रणाम करें, उनका आदर करें, सत्कार करें। ऐसा करने से मनुष्य जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। बोले सच्चे दरबार की है। इसी तरह से समुद्र बसने देवी पर्वस्तन मंडित विष्णु प्रति नमस्तभ्यम पास वासम क्षमा सुमे, तो पृथ्वी माता पर जो है पांव रखने से पहले क्षमा याचना करते हुए फिर पांव रखें। और जो मैंने आपको विधि बताई है इस तरह से यदि आप रखते हैं तो आपकी जीवन जो है, आपकी दिनचर्या जो है बिल्कुल ठीक प्रकाश व्यवस्थित ढंग से वह चलेगी, उसमें कोई विघ्न बाधा जो है वह नहीं आएगी। इसलिए माता कहते हैं कि माता पिता और गुरु जो है,
माता पिता गुरुओं और जय ईश्वर का अभिवादन करें, उनका मान सम्मान करें, उन्हें प्रणाम करें, नमन करें और यज्ञ यज्ञ दान तपश्चैव पावनान मनीषी नाम इस प्रकार से यज्ञ दान जप तप ये जो है ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य को पवित्र करते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ न कुछ सत्कर्म जो है ये करते रहना चाहिए। ये करने से मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, मनुष्य के विचार पवित्र होते हैं और उसका जीवन ही पवित्र हो जाता है जब मां की कृपा हो जाती है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक जो है ये शक्ति उपासना भक्ति युक्त होकर करनी चाहिए। माँ की भक्ति जो क्योंकि देवता भगवती की साधना करते हैं तब करते हैं और जी जगन्नी आदि शक्ति जो है जी उन्हें जो शक्ति वरदान देती है जिसके मंगलमय शक्ति से ये देवगण जो संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने समर्थ होते हैं। वह भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंडी गुरु विराजमान है, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती, जिनके दर्शन के लिए जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी बार बार माँ के दरबार में आकर के माँ के चरणों में नमन होते हैं, नतमस्तक होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें आशीर्वाद दीजिए और हम भक्त का मार्गदर्शन कीजिए। तो तीनों माताएं प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों का आशीर्वाद देती हैं। इस आशीर्वाद से वह साधक जन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो इन तीनों माताओं का सर्वदा आप पर आशीर्वाद बना रहे और भगवती इसी प्रकार से अपने दरबार में बुलाती रहे, अपने चरणों से आपको जोड़े रखे, अपने चरणों की अविचल भक्ति आपको दे और सर्वदा सर्वत्र आपका मंगल मंगल करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा श्री जयपुर श्री विजय कुमार जी से मां के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आपसे भक्तों से कृष्ण सहयोग देना सब मिलकर बोलना ताली जाते हुए श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। मैं माँ की जोत जगाई भक्तो जय बोलो जय हो भक्तो जय बोलो जय हो भक्तो जय बोलो। घर माँ की जोत जगाई भक्तो जय बोलो जय भक्तो जय बोलो जय भक्तो जय बोलो। माँ सिंह पकड़ के आई भक्तो जय बोलो दरबार तक पहुंचे। एक बार सही भक्त जी ने अपने अपने हाथ उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर या भक्तों की हाजिर से विचार करें, आपके झोलियां भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली से जगी माँ आप है आई देव पसंग विराजे जो जगी माँ आप है आई देव पसंग विराजे। दाए माथ में लंगर वीर है दाए भैरों साजे दाए माथ में लंगर वीर है दाए भैरों साजे। ओ दर्शन कर लो आए भक्तो खुशियां बांटने आई भक्तो जय बोलो आए भक्तो जय बोलो जय बोलो। माँ की ज्योति जगाई भक्तो जय बोलो भक्तो जय बोलो भक्तो जय बोलो। माँ सिंह पचड़ के आई भक्तो जय बोलो भक्तो जय बोलो भक्तो जय बोलो। लाल है चुनरी लाल है चोला पीका लाल सजाया लाल है चुनरी लाल है चोला लाल है मेहंदी लाल है चूड़ा वो चांद शर्माया लाल है मेहंदी लाल है चूड़ा चांद शर्माया। ओ पायल की झनकार भक्तो सब मन को भाई भक्तो जय बोलो भक्तो जय बोलो भक्तो जय बोलो। माँ शेर पचड़ के आई भक्तो जय बोलो भक्तो जय बोलो के दर पे आके भक्तो माँ की भेंट गालो के दर पे आके भक्तो माँ की भेंट गालो। ढोलक शहने धूप बजाके माँ को आज रिझालो ढोलक शहने धूप बजाके माँ को आज रिझालो।
माँ के भक्तों ने रंग मिलकर खुशी है आज मनाई। भक्तों जय बोलो, भक्तों जय बोलो, भक्तों जय बोलो, मैं माँ की ज्योति जगाई। भक्तों जय बोलो, भक्तों जय बोलो, भक्तों जय बोलो, माँ की ज्योति जगाई। भक्तों जय बोलो, भक्तन ज्योति जगाई, तेरे मैया भक्तन ज्योति जगाई, मेरों का माची पे देकर सबकी प्यास बुझाई, मेरों के माची पे देकर सबकी प्यास बुझाई, भूल चूप तू माफ़ कर दे बच्चों ने अर्जी लगाई। भक्तों जय बोलो, भक्तो जय बोलो, भक्तो जय बोलो, भक्तो जय बोलो, मैं माँ की ज्योति जगाई। भक्तो जय बोलो, भक्तो जय बोलो, भक्तो जय बोलो, एक बार जो निश्चय करके माँ के द्वारे आए, एक बार जो निश्चय करके माँ के द्वारे आए, के भरे भंडारों से वो मुंह मंगा फल पाए, मुंह मंगा फल पाए, आओ भक्तों देख लो आके झुकती जाए खुदाई। भक्तों जय बोलो, भक्तों जय बोलो, भक्तों जय बोलो, मंदिर की ज्योति जगाई। भक्तों जय बोलो, 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 माँ की ज्योति जगाई। भक्तों जय बोलो, भक्तों जय बोलो, भक्तों जय बोलो, मैं माँ की ज्योति जगाई। भक्तों जय बोलो, भक्तों जय बोलो, भक्तों जय बोलो, माँ की ज्योति जगाई। भक्तों जय बोलो, 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 जय करा श्री राम जी का बोल सच्चे दरबार की जय। मुझे प्रस्तुत करें श्री सुरेश जी, जय करा मेरी शरण वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। ये तो बता दो माँ शरण वाली, ये तो बता दो माँ अम्बे रानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो माँ शरण वाली, ये तो बता दो माया मेरानी, मैं कैसी तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा। तुम्हारी दया पर ये जीवन हमें, ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, शरण छोड़ दूंगा। तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, शरण छोड़ दूंगा। तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा,
शरण छोड़ दूंगा। तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो माशेरवानी, ये तो बता दो माया मेरानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा। किए है गुनाह मैंने इतने हैं मैया, कहीं ये जमीन आसमां फट न जाए। किए हैं गुनाह मैंने इतने हैं मैया, कहीं ये जमीन आसमां फट न जाए। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। किए हैं गुनाह मैंने कितने हैं मैया, कहीं ये जमीन आसमां फट न जाए। किए हैं गुनाह मैंने कितने हैं मैया, कहीं ये जमीन आसमां फट न जाए। जब तक माया अंबे क्षमा न करोगी, जब तक अंबे क्षमा न करोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, चरण छोड़ दूंगा। जब तक अंबे क्षमा न करोगी, जब तक अंबे क्षमा न करोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, चरण छोड़ दूंगा। ये तो बता दो माशेरवानी, ये तो बता दो माया मेरानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो माँ शेरवाली, ये तो बता दो माया मेरानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा। बहुत ठोकरे खा चुका हूँ मैं दर दर, तमन्ना फकत तेरे दीदार की है। बहुत ठोकरें खा चुका हूँ मैं दर दर, तमन्ना फकत तेरे दीदार की है। बहुत ठोकरें खा चुका हूँ मैं दर दर, तमन्ना फकत तेरे दीदार की है। बहुत ठोकरें खा चुका हूँ मैं दर दर, तमन्ना फकत तेरे दीदार की है। जब तक मायांबे दर्शन न दोगी, जब तक मायांबे दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, भजन छोड़ दूंगा। जब तक मायांबे दर्शन न दोगी, जब तक मायांबे दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, भजन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो माँ शेरवानी, ये तो बता दो माया मेरानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा,
लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो माँ शेरवाली, ये तो बता दो माया मेरानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा। तारो न तारो तुम्हारी है मर्जी, निर्धन की बस आखिरी बात सुन लो। तारो न तारो तुम्हारी है मर्जी, निर्धन की बस आखिरी बात सुन लो। तारो न तारो तुम्हारी है मर्जी, निर्धन की बस आखिरी बात सुन लो। तारो न तारो तुम्हारी है मर्जी, निर्धन की बस आखिरी बात सुन लो। मुझसे पतित को अधम को न तारा, मुझसे पतित को अधम को न तारा, तो एक दिन इसी दर से दम तोड़ दूंगा, मैं दम तोड़ दूंगा। मुझसे पतित को अधम को न तारा, मुझसे पतित को अधम को न तारा, तो एक दिन इसी दर से दम तोड़ दूंगा, दम तोड़ दूंगा। ये तो बता दो माँ शेरवाली, ये तो बता दो माया मेरानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो शेरवाली, ये तो बता दो मारंदरानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा। तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, शरण छोड़ दूंगा। तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा, लगन छोड़ दूंगा। जय करा मेरी शेरवाली मैया जी का और सच्चे दरबार की जय। तो ये भजन प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी। जय करा शेरवाली दल और सच्चे दरबार की जय। दर ते आवा हाल सुनामा, दर ते आवा हाल सुनामा, दाती कर मेहरबानिया माए अम्बे कर मेहरबानिया। दर ते आवा हाल सुनामा, दाती कर मेहरबानिया माए अम्बे कर मेहरबानिया। दर ते आवा हाल सुनामा, दाती कर मेहरबानिया माए अम्बे कर मेहरबानिया। दर ते आवा हाल सुनामा, दाती कर मेहरबानिया माए अम्बे कर मेहरबानिया। सड़ गए मेरे कर्म बल्ले, दुखन फेरिया
गाथि कर निर्वाणिया माय अम्ब कर निर्वाणिया दरते आमा हाल सुनामा गाथि कर निर्वाणिया माय अम्ब कर निर्वाणिया दरते आमा हाल सुनामा दाती कर मेरवानिया मैं अम्बे कर मेरवानिया जयकारा श्री बलिदा सच्चे दरबार की जय जयकारा शेरा बलिदान ढोल सच्चे दरबार की जय ओ जीना रखिया तेरे ते माई डोरा तूते कभी ढोल दे नहीं हो जीना रखिया तेरे ते माई डोरा तूते कभी ढोल दे नहीं ओ जीना रखिया तेरे ते माई डोरा तूते कभी ढोल दे नहीं हो जीना रखिया तेरे ते बोल दे नहीं ओ मोह बोल दे नहीं ओ बोल दे नहीं ओ मोह बोल दे नहीं ओ बोल दे नहीं ओ मोह बोल दे नहीं ओ बोल दे नहीं ओ मोह बोल दे नहीं ओ जीना रखिया ना जीना रखिया तेरे ते माई डोरा तूते कदे बोल दे नहीं ओ जीना रखिया तेरे ते माई डोरा जीना रखिया तेरे ते माई गोरा होते कदे ढोल दे नहीं ओ जीना रखिया तेरे ते माई गोरा होते कदे ढोल दे नहीं ओ जीना चुमलिया मां जीना चुमलिया रावा दिया
विक्रमादित्य संबद 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल शिष्य ऋतु माघ मास की आज 3 प्रविष्टि ही पौष शुक्ल पक्ष आज 10वीं तिथि ही बुधवार तदनुसार 16 जनवरी सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद।
आयुष्मान भवे, संतति भाने भवे, श्रीमान जससुहे भवे, प्रज्ञा भाने भवे, भूर्भुवत् करणे धारणे कनिष्ठो भवे, तेजस्वी भवे, धैर्य गर्भ जलने व्यापार दक्ष भवे, श्री शंबर पाद पुण्यरत सर्वोपकारी भवे, मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविदात शुभमानम हीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय तो
करत भरो मैया नृत्य करत भरो सायत ताल मृदंगा सायत ताल दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भोजाचार मैया भर मुद्रा धारी मनवाछत फल पावत मनवाछत फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज अगर कपूर भाती ओ भैया अगर कपूर भाती श्रीमाल के तुम राज श्रीमाल के तुम राज तो निरतन ज्योति ओम जय अम्बे मैया प्रेम सहित गावे कहत शुभानंद स्वामी कहत हरे हर स्वामी भगवान चित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गौरी ओ मैया जय हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी सचिया जत हरी माता तेरी सदा यही जय साध्य मन अर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा यही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा यही जय बोलो सच्चे दरबार की जय क्षमा करो अपराध शरण माया हो क्षमा करो अपराध शरण माया हो माता वैष्णो धर्म शेष झुकाया हो माता वैष्णो धर्म शेष झुकाया हो देवों के सब संकट तारे देवों के सब संकट तारे रक्त भेज मद कैट हमारे रक्त बीज मधु कैटब हमारे शंबल शंबल सुर संहारे शंबल शंबल सुर संहारे किया भगत कल्याण शरण माया किया भगत कल्याण शरण माया बालक पन खेलों में गवाया बालक पन खेलों में गवाया कुछ काम न आया जीवन सफल बनाओ शरण माया ओ जीवन सफल बनाओ शरण माया संयौवन का साथ नहीं है संयौवन का साथ नहीं है विद्या धन कुछ पास नहीं है विद्या धन कुछ पास नहीं है काम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया धर्म मार्ग मुझको न सुहाते धर्म मार्ग मुझको न सुहाते सदा कुमारक मुझको भाते माता सा कुमारक मुझको भाते मन चंचल तेरा ध्यान करता बड़ा चपल नादान शरण माया बड़ा चपल नादान शरण माया घबराया
पछताया अब कोई न मेरा दीन बंधु माना मैं तेरा करो सफल निज नाम शरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया सच्चे धर की जय। परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रिय
प्रथमें गुरु जी को वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय शुभाचार मेरे कार्य करो हमेश जय मां आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैं आठ पहर चौसठ घड़ी जो चरणा भगवान जय Thank you.
विद्या प्रदेही रोहन मोदुले सत्या ज्योता वाली माता तेरी सदा पंचभूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार की शांति देने वाली माता तेरी सदा गुनाह चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी सदा ढोंकड़ा भी खादो तेरी सदा बोलो सत्य दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का अधर्म का धर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारत वर्ष हरे हरे महादेव श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय गो सत्य गुरुवार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय गो सत्य गुरुवार की जय मत ही मंत्राही आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जकारा शरावाली दा वो सर्वे समाज की है। ओम विराज भीन महा पाजु पाजु ओम महादेवेश्वराय संतम नमः ओम जो से सबकी जो से सबकी रहते हैं।